पोहरी बांके बिहारी गार्डन पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सिद्धि विनायक सेवा समिति द्वारा नौवां निःशुल्क सर्वजाति सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन कराया गया, जिसमें 20 जोड़े परिणय सूत्र में बने। जहां सम्मेलन में मुख्य रूप से राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग सुरेश धाकर राठखेड़ा ने वरवधु को उपहार भेंट कर आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात राज्य मंत्री ने सभी नव दंपतियों को सुखमय जीवन व्यतीत करने की कहा। जहां समिति द्वारा सभी जोड़ों के लिए अलमारी, पलंग, गद्दा, पंखा, कुकर, सोने चांदी के आभूषण, 51 बर्तन सहित अन्य गृहस्थी सामान उपहार स्वरूप भेंट किया। जहां समिति के महेश शर्मा, गिरिराज राठी, गिरिराज गुप्ता, ईश्वरलाल रावत, श्रवण कुमार कुशवाहा, गिरिराज सिंगल, धर्मेंद्र सिंह किशन, राम गोयल, आविद खान की अहम भूमिका रही। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमारी बेटी बेटी है, जब पहले बेटी पैदा होती थी तो बड़ा दर्द होता था, पिता आराम कर लेता था, माता जी भी ये कहती थी बेटी हुई है, आज देखिए बेटी एक घर की नहीं बेटी दो घर की लाज है, बेटी नहीं है वो लक्ष्मी है। देखो आए हमारी लक्ष्मी नहीं होती तो आज तारा धार नहीं आता। बेटी जिस घर में जाएंगे जे आज उजीला लेके जाएंगे। और बेटियों आपसे भी कहना चाहता हूँ और मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने कि आज से आपका एक अलग घर बसने जा रहा है। आज से तुम्हारे मतलब माता पिता दूसरे हो जाएंगे, भैया दूसरे हो जाएंगे, देवर जेठ हो जाएंगे और सास को ऐसे रखना जैसे माता जी से ज्यादा प्रेम करना। क्यों ये घर दूसरा घर हो गया आपका? अब तक तुमने हमारे घर की लाज रखी, अब तुम्हारे हाथ में आए दूसरे घर की हम लाज दे रहे हैं। बेटियों सदैव ये ध्यान रखना, जिस तरह है खेली कूदी, जिस तरह हमारा आंगन तुमने चहकाया और चिड़िया बन के हमारे आंगन में खेलती थी, उसी तरह चिड़िया बन के दूसरे आंगन में खेलना, जिससे हम सबका नाम रोशन होगा। समिति के लोगों से अच्छा काम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपसे आग्रह करूंगा कि अगले साल आप जो सम्मेलन करें, कल सामूहिक सम्मेलन है, आप इसका रजिस्ट्रेशन और करा देते तो आज हमारी बेटियों को आप तो कर 51 हजार रुपया आज हमारी बेटियों को और मिलेगा। इस तरह सम्मेलन करते तो है, हम जनपद में और हमारी नगर पंचायत में अच्छी सारा रजिस्ट्रेशन जरूर करा, जिससे शासन की योजना का भी लाभ हमने आज हमारी बेटियों को 51 रुपए शासन से और हमारी बेटियों को मिलता। तो हम ये लाभ भी समिति के लोगों से आग्रह करता हूँ, अगले साल ये लाभ भी हम ले और जैसे ही हमने सम्मेलन करते हैं इसको हम और बढ़ता देना चाहिए। मेरा भी आप सहयोग, मैं भी आपके परिवार का बेटा भाई हूँ और ऐसे कामों में मुझे भी बड़ा आनंद आता है और मन को बड़ी तसल्ली होती है कि ऐसे कन्यादान, ऐसे सामूहिक सम्मेलन भाग्यशालियों को मिल पाते, हर व्यक्ति के भाग्य में होता जो ऐसे बार सम्मेलन को मिलते।